फॉलो द बेस्ट ट्रेंड विद अनबीटेबल डील्स एट AF Enterprises. अपने वार्डरोब को अपग्रेड करें AF Enterprises के बम्पर ऑफर के साथ, वो भी कपड़े और कलर की गारंटी के साथ. यहाँ आपको प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल पैंट्स, ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, अंडर गार्मेंट्स अनबिलीवेबल रेट्स पर मिलेंगे. एज पर क्वालिटी टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, फॉर्मल पैंट, शर्ट्स पर अमेजिंग ऑफर मिलेंगे. 3 प्रीमियम क्वालिटी की जीन्स आपको मिलेगी सिर्फ 1700 में, जिनकी सिंगल प्राइस है 600 रुपीज. AF Enterprises में 50 साइज तक जीन्स भी अवेलेबल है. तो आज ही विजिट करें मिरेकल मॉल में ग्राउंड फ्लोर के नीचे AF Enterprises. आज रमजान के 30 रोजे पूरे हुए और इंडिया में आज नजर आया ईद का चांद. मुसलमानों में ईद का चांद दिखने पर खुशी की लहर दौड़ गई. LIB की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर तैनात RPF के जवान न सिर्फ मुसाफिरों की हिफाजत करते हैं, साथ साथ ही साल 2023 में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों, रेलवे लॉस तोड़ने वालों और दूसरी डिस्टरबेंस फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 लाख के फाइन वसूल किए हैं और इस अमाउंट को रेलवे के खजाने में जमा करवाया गया है. भिवंडी निजामपुर पुलिस ने 3 लोगों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया, जिनका इरादा शहर में डकैती करना था. पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि इलेक्शंस को देखते हुए पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है और मशकूक लोगों से पूछताछ कर रही है. ऐसे में उन्हें जानकारी दी गई कि कुछ लोग डकैती के इरादे से शहर में देसी कट्टे के साथ आ रहे हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने हाल ही में अलीबाग का नाम बदलकर मयंक नगरी रखने के लिए CM एकनाथ शिंदे को लेटर दिया था, लेकिन ये मांग आचार संहिता लगने के बाद की गई थी, जिसके बाद राहुल नार्वेकर पर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की कंप्लेन दर्ज करवाई गई. विरार में एसटी प्लांट में साफ सफाई करने उतरे 4 मजदूरों की हुई मौत. यहां एसटी प्लांट में साफ सफाई करने के लिए 24, 27, 28 और 29 साल के मजदूर उतरे थे, जहां दम घुटने से चारों की मौत हो गई. फिलहाल 3 की लाश बाहर निकाली गई है और चौथे की तलाश अब भी जारी है. भिवंडी में एक बार फिर एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस बार आरोपियों ने सिंथेटिक रबर बूट और नेचुरल रबर बूट के माल की बिक्री करने वाले व्यापारी के साथ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी अंजाम दी है. व्यापारी ने आरोपियों पर FIR दर्ज करवाई है, लेकिन फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आई है. तीस सालों से मुंबई के आजाद मैदान में ईद की नमाज अदा की जाती है, लेकिन इस बार पुलिस की तरफ से ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई. बताया गया कि पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यहां इज्तिमाई प्रोग्राम्स होते हैं जो होते रहेंगे, लेकिन नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती. महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले को ट्यूजडे को एक ट्रक ने टक्कर मारने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि एक ट्रक ने उनकी कार को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. शॉप्स के साइन बोर्ड्स और ग्लो साइन बोर्ड्स के ताल्लुक से BMC ने सुनाया बड़ा फैसला. कहा 1 मई से पहले मराठी में साइन बोर्ड्स ना होने पर शॉप ओनर्स से डबल प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा और ग्लो साइन बोर्ड मराठी में ना होने पर उस शॉप का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. फिर शॉप ओनर्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. हालांकि BMC के इस डिसीजन से शॉप ओनर्स में नाराजगी पाई जा रही है और वो BMC द्वारा दिए गए 30 अप्रैल के टाइम को एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं. वैरायटी सुपर बाजार इस ईद फेस्टिवल पर लाए हैं ग्रैंड शॉपिंग मेला. इस ग्रैंड शॉपिंग मेले में अवेलेबल है 100% ओरिजिनल रफ किड्स जीन्स, जो आपको 6 मंथ टू 16 इयर्स की बॉयज की साइज में मिलेगी, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में. 1 ईयर टू 6 इयर्स बॉयज की रेंज है सिर्फ ₹499 और 7 ईयर्स टू 16 इयर्स बॉयज की रेंज है सिर्फ ₹599. ये सेल का फायदा आप वैरायटी सुपर बाजार और वैरायटी सुपर बाजार NX से उठा सकते हैं. तो जरूर विजिट करें वैरायटी सुपर बाजार और इस ईद पहने ब्रांडेड कपड़े अफोर्डेबल प्राइस में. कोटर गेट 3 बत्ती अबव मिल्की वे मिल्क सेंटर, सेकेंड फ्लोर, भिवंडी.